बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जब भी जिक्र किया जाएगा तो तीन खान के नाम तो हमेशा आएंगे, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। और आज बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान का कंप्लीट नाम, जो मुकम्मल नाम है, वो मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। आमिर खान 14 मार्च 1965 को पैदा हुए, मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए, जो कि उस वक़्त मुंबई नहीं था बल्कि बम्बई था। आमिर खान अपने पेशे के लिहाज से एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपने करियर का आगाज 1984 से किया। उनकी शादी, पहली शादी 1986 में हुई रीना दत्त से, जो कि हिंदू खानदान से थी, और उसके बाद उनकी दूसरी शादी, पहली शादी जो है उसको डाइवोर्स हो गया, 1986 में हुई और 2002 में डाइवोर्स हो गई। और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी 2005 में अपनी सेक्रेटरी किरण राव से की। उनके बच्चे जो हैं वो जुनेद, ईरा और आज़ाद राव हैं। आमिर खान ने अदाकारी का आगाज़ 1977 में फिल्म यादों की बरात से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया, लेकिन उन्हें नुमाया शोहरत फिल्म क्यामत से क्यामत तक से मिली। और इसके बाद आमिर ने दिल, राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, मन, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, गजनी, थ्री इडियट्स, धूम थ्री, पीके और दंगल जैसी नामवर फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया। कहा जाता है कि बॉलीवुड में खान का राज चलता है, मगर आमिर खान ही वो पहले खान हैं जिन्होंने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ क्लब की बुनियाद रखी। आमिर खान के बारे में ये मशहूर है कि वो बॉलीवुड फिल्मी अवार्ड लेना पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसी किसी तकरीब में भी नज़र भी नहीं आते। उनका ख्याल है कि किसी अदाकार की सलाहियतों को एजाजात की तादाद से नहीं परखा जा सकता। अलबत्ता उन्हें भारतीय हुकूमत की जानब से दो बड़े कौमी एजाजात 2003 में पद्मा श्री और 2010 में पद्मा भूषण से नवाजा गया। आमिर ने 2007 में हदायतकारी का आगाज़ किया फिल्म तारे ज़मीन पर, और बतौर हदायतकार भी उन्हें खूब पज़ीराई मिली। आमिर ने दो शादियां की, पहली बीवी रीना दत्त से, उनके दो बच्चे जुनेद और इरा हैं, जबकि दूसरी बीवी किरण राव से एक बेटा आज़ाद है। दंगल की कामयाबी के बाद आमिर रवां बरस फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में बतौर मेहमान अदाकार नज़र आएंगे, जबकि अमिताभ बच्चन के मद्दे मुकाबल फिल्म ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान की अक्सबंदी भी कर रहे हैं। आमिर खान ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी में काम किया तो उनका नाम ही राजा हिंदुस्तानी पड़ गया, जबकि आमिर खान का असली नाम तो आमिर खान है और कंप्लीट नाम आमिर हुसैन खान है। और आप उनके वालिद का नाम ताहिर हुसैन और उनकी वालदा का नाम जीनत हुसैन है। उनके वालिद आमिर को बॉलीवुड से दूर रखकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चनाचे आमिर उस ज़माने में भारत की रियासत महाराष्ट्र में टेनिस के नुमाया खिलाड़ी की हैसियत से भी नुमाया कामयाबियां हासिल कर चुके थे। आमिर खान कहते हैं कि उनका बचपन इतना खुशगवार नहीं गुजरा, बल्कि स्कूल के ज़माने में तो अक्सर ये खौफ रहता था कि कहीं फीस ना होने की वजह से उन्हें स्कूल से ही ना निकाल दिया जाए, इसलिए मैट्रिक के बाद आमिर अपनी तलीम भी जारी ना रख सके और अपने ताया नासिर हुसैन के साथ, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मुंसलिक हो गए और इसी तजर्बे ने उन्हें अदाकारी की तरफ मायल किया। आमिर का तल्लक रवायती मजहबी मुसलमान घराने से है और उसी ज़माने में उनके घर का कोई फ़र्द किसी गैर मुसलमान से शादी ब्याह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर आमिर खान ने ख़ानदान से बगावत की और अपनी हिंदू पड़ोसन
रीना दत्त के इश्क में मुबतला हो गए और 21 बरस की उम्र में रीना को शादी की पेशकश कर दी। आमिर और रीना जानते थे कि दोनों के ख़ानदान वाले नहीं मानेंगे, इसलिए दोनों ने छुपकर शादी कर ली और शादी को तब तक खुफिया रखा जब तक आमिर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म क़यामत से क़यामत तक मंजरे आम पर ना आ गई। इस फिल्म में जब आमिर ने पापा कहते हैं गाना अक्स बंद करवाया तो रीना भी इन चंद लड़कियों के ग्रोह में नाचती हुई पर्दे पर देखी गई। उस वक़्त रीना एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी और 1988 में जब फिल्म कामयाब हो गई तो आमिर माली तौर पर खासे मुस्तकम हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने ख़ानदान में शादी का ऐलान करके उसी बिल्डिंग में अलग फ्लैट ख़रीदा और अपने वालदैन और रीना के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। वक़्त के साथ साथ रीना की आमिर के वालदैन और भाई बहनों से दोस्ती हो गई और शायद इसीलिए आमिर से तलाक के बावजूद रीना आज भी उनके ख़ानदान से जुड़ी हुई हैं। आमिर खान बॉलीवुड के वो पहले खान हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का रिकॉर्ड रखती हैं। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर पहली मरतबा 2008 में गजनी ने 114 करोड़ का बिजनेस किया, जिसे खान कबीले का दूसरा कोई अदाकार ना तोड़ सका। मीडिया के मुताबिक आमिर और रानी मुखर्जी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं थी और इनकी दोस्ती का आगाज़ फिल्म गुलाम से हुआ, जिसका एक मशहूर गाना है आती है क्या खंडाला। और इस रानी से दोस्ती के बायस आमिर और रीना यानी उनकी वाइफ के दरमियान तलाक होगी, क्योंकि रानी ने अपने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि वो आमिर से मोहब्बत करती हैं और रानी को यकीन है कि आमिर ही वो वाहद दोस्त हैं जिन्हें वो आधी रात को भी अपने मदद के लिए पुकारें तो वो सारे काम छोड़कर उनकी मदद को पहुँचेंगे। आमिर की तलाक के बाद दोबारा शादी हो गई, रानी की शादी किसी और से हो गई। आमिर जूही चावला की जोड़ी को पर्दे पर इतनी पजीराई मिली कि आमिर ने सबसे ज़्यादा यानी 7 फिल्में जूही चावला के साथ की। उनकी गहरी दोस्ती पर्दे पर ही नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में काफ़ी मशहूर हुई, बल्कि पर्दे पर उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री की अहम वजह हकीकी ज़िंदगी में उनकी गहरी दोस्ती ही थी। आमिर और जूही ने फिल्मी सफ़र का आगाज़ क़यामत से क़यामत तक से किया और इससे पहले आमिर ने हौली और जूही ने सल्तनत जैसी नाकाम फिल्में भी की, मगर पर्दे पर एक साथ उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। जूही अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुकी है कि वो आमिर फिल्मों के सेट पर बच्चों की तरह लड़ते थे, क्योंकि आमिर के मजाक की आदत की वजह से वो बहुत चिढ़ती थी। आमिर खान ने दूसरी शादी रीना से की जो कि उनकी सेक्रेटरी थी और 2002 में ये शादी हुई। आमिर और रीना की जो शादी थी रीना दत्त की, वो 2002 में नामालूम वजूहात की बिना पर तलाक हो गई और उनके दोनों बच्चे रीना की ही सरपरस्ती में चले गए। एक रिश्ता ख़त्म हुआ तो आमिर की दोस्ती फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हो गई और जल्द ही उन्होंने शादी की और 2000 में ये शादी हुई। आमिर और किरण ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया और कहा जाता है कि आमिर और रीना के दोनों बच्चों की किरण से बहुत दोस्ती है, बल्कि वो आज़ाद से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ताहम आमिर का कहना है कि उनके और रीना के दरमियान जो तल्लक था वो कागज़ के टुकड़े पर दस्तखत करने ख़त्म कर से नहीं ख़त्म हो सकता। चाहे रीना अब उनकी बीवी नहीं रही, मगर वो आज भी रीना की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। आमिर खान ने 2011 में मुआशरती मसाइल और उनके तदारक पर मबनी एक टीवी प्रोग्राम सत्यामेव जीते की मेज़बानी का आगाज़ किया, जिसे इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर बराह रास्त नशर किया, जबकि दूरदर्शन ने इस प्रोग्राम को भारत में समझी जाने वाली 8 जबानों में नशर किया और साल 2012 में आमिर इस प्रोग्राम की एक किस्त का मुआवजा 30 मिलियन रुपया लेने वाले इंडिया के सबसे महंगे तीन सेलिब्रिटीज़ मेज़बान बन चुके थे। आमिर खान को
बॉलीवुड का सबसे ज़हीन खान कहा जाता है। उनके दोस्तों का ख्याल है कि आमिर जिस काम का इरादा कर लें तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मसलन अगर आमिर ने सोचा कि वो सिगरेट नहीं पियेंगे तो कोई इन्हें मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर वो डाइटिंग का इरादा कर लें या किसी वजह से खाना पीने की आदत में रद्दबदल करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आमिर के दोस्तों को इनकी सेल्फ कंट्रोल की आदत पर भी गुस्सा आता है। आखिर कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आमिर खान की बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा दोस्ती सलमान खान से है, जबकि शाहरुख खान के साथ उनके अक्सर इख्तलाफात रहे हैं, जिसकी इब्तदा 1993 में फिल्म डर से हुई, जो आमिर के हाथ से निकल कर शाहरुख को मिल गई। उस वक़्त से दोनों खान्स के मुबैन वक्तन फोक्तन चपकलश चलती रहती हैं। जैसा कि धूम 3 की तशहीरी मुहिम में सलमान खान ने आमिर का खूब साथ दिया, और इस वक्त सलमान बिग बॉस की मेज़बानी कर रहे थे। जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, सलमान ने आमिर की फ़िल्म में इस्तेमाल होने वाली जादूगर की अलामती टोपी नहीं छोड़ी। इसी तरह आमिर कभी भी सलमान के शो में नहीं गए। इसी तरह दंगल की रिलीज़ से पहले भी सलमान ने समाजी रवाबत की वेबसाइट पर आमिर की जहानत, अदाकारी और अंदाज को खूब सराहा और हर लिहाज से लोगों को कायल किया कि आमिर की फ़िल्म सुल्तान से ज़्यादा अच्छी है और इसे कहते हैं दोस्ती। आमिर से हमारी यही तवक्का है कि वो अच्छी अच्छी दंगल जैसी फिल्में बनाते रहें और अपने मैसेज को अच्छे तरीके से लोगों तक पास करते रहें। और जैसा कि तारे ज़मीन पर हैं, इस तरह के जो पब्लिक इशू हैं, समाज के इशू हैं, उनको सामने लाएं और इस जो अपना मैसेज अच्छे से दें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को जो आने वाले प्रॉब्लम हैं उनको हल कर सकें। थैंक यू सो मच। Thank you.